अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके न्यू वीडियोस की अपडेट्स। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं करने वाला हूँ एक केराटिन। ऑलरेडी कल उनका कलर हो चुका है ग्लोबल, हमने कलर किया था कल, तो थोड़े डैमेज हेयर थे उनके, पहले ऑलरेडी उन्होंने ब्लॉन्ड कलर किया था, बट आज हम लोग उनके हेयर्स के ऊपर करने वाले केराटिन, क्योंकि कल ग्लोबल कलर हो गया था। कल भी कर सकते थे बट हमें बहुत टाइम हो गया करते करते, लेट हो गया काफ़ी, तो आज हम उनके हेयर्स पे करेंगे केराटिन। तो वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो अभी उनका हेयर वॉश स्टार्ट किया है हम लोगों ने, तो चलो देखते हैं। तो इनके ये हेयर्स है, आप देख सकते हो कल कलर किया, आज केराटिन। तो आप जब भी केराटिन करते हो तो हेयर वॉश बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको दो बार अच्छे से बालों को वॉश करना है प्रॉपर उसी शैम्पू से जिसका आप केराटिन यूज़ कर रहे हो, क्योंकि जो शैम्पू होता है वही आपके क्यूटिकल को अच्छे से ओपन करेगा और केराटिन पेनेट्रेट होने में भी मदद करेगा। तो अच्छे से शैम्पू करो। तो दोस्तों, अभी हेयर वॉश हो चुका है, तो आपको मैं ड्राई होने के बाद वाला लुक इनका दिखाता हूँ कि पूरे ड्राई हो चुके बाल, अभी हम लोग केराटिन का एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको इनका दिखाता हूँ लुक। ये ड्राई हो चुके हैं इनके बाल, अब 90% इनके हेयर हम लोगों ने ड्राई किए हैं और 10% वेट रखे है। तो अब हम लोग करेंगे केराटिन स्टार्ट, यानी केराटिन का फर्स्ट क्रीम एप्लीकेशन करेंगे, जिसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ वही ब्राज़ील काकाओ का केराटिन, जो बहुत लोगों को मालूम है कि मैं एक्चुअली ये केराटिन यूज़ करता हूँ, ब्राज़ील थर्मन रिकंस्ट्रक्शन, तो ये वाला केराटिन यूज़ करेंगे। तो अभी इसका मैं पूरा कैसे करते हैं एप्लीकेशन सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। तो आपको इसमें लेने हैं, आप जो भी सेक्शन ले रहे हो तो थोड़े से मीडियम लो, ज़्यादा छोटे भी नहीं और ज़्यादा बड़े भी नहीं, और इसको हाथ से इतना नहीं मर्ज करना है, थोड़ा ही करना है, और ज़्यादा आपको कोम से मर्ज करना है। और ये केराटिन लगाने के पूरा होने के बाद आपको कुछ रुकना नहीं है, सीधा डायरेक्टली आपको ड्राई करना है और आयन करने को स्टार्ट करना है। बाकी के केराटिन में अलग अलग होते हैं, बाकी के केराटिन में बहुत देर तक रुकना पड़ता है, 35 मिनट 40 मिनट्स, तो ये केराटिन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केराटिन में सेम डे सारी चीज़ें होती है और ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये थोड़ा आसान भी है और रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो ये पूरा एप्लीकेशन देखो, मैं ज़्यादा कोम कर रहा हूँ, कोम से क्या होता है हर एक बाल को अच्छे से लगता है, और आपको यही ध्यान देना है कि हर एक बाल को ये केराटिन लगना चाहिए, तो फिर उसका यूज़ है, अगर नहीं लगेगा तो आपका केराटिन कुछ काम नहीं आएगा। तो दोस्तों चलो पूरा एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन के बाद मैं नहीं रखूँगा इसे, डायरेक्टली ड्राई करेंगे और करेंगे आयन। को छोटे छोटे सेक्शन लेके आयन करना है प्रॉपर, एक सेक्शन को कम से कम आपको 10 बार तो या 12 टाइम आपको रिपीट आयन करना है, यानी प्रेस करना है। तो चलिए पूरा आयन देखते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं बता दूंगा आपको।
हमारा आयन कंप्लीट हो चुका है, ये आयन वाला आयन का लुक है, तो ये अपना परमानेंट लुक नहीं है क्योंकि कैरेटिन में बस 30-40% बाल स्ट्रेट होते हैं। तो ये भी आपको क्लाइंट को बताना है कि बस आपका ड्राइनेस फ्रिजनेस कम होता है। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे तीसरा नंबर यानी कंडीशनर हमारा, जो कि आपको लगा कर 10 मिनट रखना है और उसके बाद आपको फिर से ड्राई करना है, शैम्पू नहीं करना है, बस कंडीशनर लगाना है और आपको क्यूटिकल को क्लोज करते हुए बस ड्राई करके सीरम लगा देना है और एक ब्लो ड्राई करना है, तो आपका लुक हो जाएगा। तो अब ये होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी ड्राई कर रहे पूरे बाल, ड्राई होने के बाद आपको इनका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा। ड्राई होने के बाद आपको करना है प्रॉपर ब्लो ड्राई और ये है इनका फाइनल रिजल्ट दोस्तों, एकदम ईजी है, नेचुरल है, 30-40% बाल स्ट्रेट हुए। उसके बाद बालों में शाइन आई, कलर भी देखो कितना अच्छा इनहांस हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है उनके ऊपर कलर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम पे मैं छोटे छोटे वीडियोस डालते रहता हूँ, तो वहाँ पे आते जाओ, वहाँ पे मेरे वीडियोस देखो। और भी कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इनका कलर आपको कैसा लगा वो भी बताना, कलर का शेड नंबर भी मैं आपको बता दूंगा, तो कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो हेयर कट के ऊपर रहेगा और वो भी काफ़ी अच्छा हेयर कट होने वाला है, तो सारे वीडियो प्रॉपर देखना। और भी कुछ डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। केराटिन को लेके अगर कुछ भी डाउट हो आपके मन में तो ज़रूर कमेंट करो, कुछ भी डाउट लगे आपको तो ज़रूर मुझे बताना ये प्रोडक्ट के बारे में। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं केराटिन में, बट मुझे ये बेस्ट लगता है इसलिए मैं ये वाला केराटिन करता हूँ, क्योंकि इसमें सेम डे ही सारी प्रोसेस होती है, बालों को 2 दिन रखना नहीं पड़ता है, तुरंत वॉश हो जाता है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। और इनका कलर भी देखो कितना उठ के दिख रहा है, ये केराटिन में एक शेड लाइट होता है कलर, जो भी आप कोई कलर करते हो, तो ये उनका नेचुरल लुक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देते रहे अविनाश हेयर केयर।